हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए जो है यहाँ पर जनरल नॉलेज का जो है एक टॉपिक जो हमारा यानी कि हमारे जो यहाँ पर 45 क्वेश्चन जो हैं वो पहले हो चुके थे। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपने पहले जो है जनरल नॉलेज की जो है क्लास नहीं ली है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो जल्दी से जाके वहाँ पर चेक कीजिए, तो वो क्लास भी लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि समाथा स्थल जो है इज़ द मेमोरियल ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो यानी कि समाथा स्थल जो है ये कौन सी जो है यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो ऑप्शन जो है मैं रीड नहीं करूँगी। तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जो है आंसर फटाफट से जो है कमेंट सेशन में मुझे बताना है कि मैम इसका जो आंसर है ये आंसर सही है, ठीक है। तो कौन है आपके पास जो है इसका सही आंसर, मतलब फेमस पर्सनालिटीज़? सो वो हैं आपके पास ऑप्शन ए यानी कि जगजीवन राम। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सबसे पहले जो है वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट का जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर जो है वो जल्दी से जो है मुझे बताइए, क्या है इसका सही आंसर? वो है आपके पास ऑप्शन यानी कि ए, न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, सेकेंड ओल्डेस्ट न्यू एजेंसी हिंदुस्तान समाचार वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको सेकेंड ओल्डेस्ट जो है यहाँ पर यानी कि एक एजेंसी है हिंदुस्तान समाचार की, तो वो एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1947, 48, 70 या 1990? तो आपका जो है सही आंसर यानी कि ऑप्शन बी, 1948 में जो है यहाँ पर ये न्यू एजेंसी जो है हिंदुस्तान समाचार जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये कहाँ से जो है पब्लिश हुई है, पटना, कोलकाता, अंबाला या मुंबई? तो बताइए कहाँ से जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये पब्लिश की गई है, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि पटना। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ अमृत बाजार पत्रिका इज, तो यहाँ पर पूछा गया है अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किस भाषा में है, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश या उर्दू? तो वो है आपके पास यानी कि बंगाली में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ बेंड इन द रिवर इज द रिनाउंड बुक रिटन बाय, ठीक है। ये एक बुक है जिस बुक का नाम है, एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, ये जो बुक है ठीक है, इस बुक को जो है यहाँ पर किसके द्वारा जो है लिखा गया है, यानी कि अ बेंड इन द रिवर जो है बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है रिनाउंड किया गया है किसके द्वारा, चार ऑप्शन हैं आपके पास, तो जल्दी से जो है वो मुझे आंसर बताइए। तो आंसर जो है ऑप्शन सी है, वीएस नेपाल जो है यहाँ पर ये इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जो यहाँ पर बुक है वो लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए बुक के नाम जो हैं आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, सो कौन सी बुक जो है यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो वो है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया डिवाइडेड जो है यहाँ पर बुक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अ बुक रिटन बाय, ठीक है, ये बुक है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किसने लिखी है? यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए हैं, मार्टिन लूथर किंग ने, संजय बैरू ने, महात्मा गांधी ने या कुलदीप नायर ने। तो ये लिखी गई है आपका ऑप्शन बी, यानी कि संजय बैरू ने जो है यहाँ पर इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम क्या है ध्यान से देखिए वीडियो को, तो तभी आपको जो है यहाँ पर याद रहेगा। बुक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो है यहाँ पर बुक का नाम है। नेक्स्ट है आपके पास, हु रोट द बुक आनंद मिथा मैथ, ठीक है, जो है ये बुक किसने लिखी है जिसका नाम है आनंद मैथ। आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन, तो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन ए, यानी कि बैनकिम चंद्र चतुपाध्याय जो हैं इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है आनंद मैथ। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर देखिए 55th क्वेश्चन जो है, डैश इज़ द ऑथर ऑफ मैकडोर, मैकडोर के जो हैं ऑथर कौन हैं, कालिदास, तुलसीदास, कौतल्या या वेदव्यास? तो आपका ऑप्शन जो है, यानी कि कालिदास जो हैं इसके यहाँ पर ऑथर हैं किसके, मैकदूत के, याद रखिएगा बहुत ही जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हर एक जो है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, किसको जो है यहाँ पर लैंड ऑफ यानी कि मिडनाइट सन के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है, जापान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या इसमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नॉर्वे। नॉर्वे जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, ठीक है, अब जो है आपको इसके ऑथर का नाम बताना है जिस बुक का नाम है गाइड, तो इसके जो हैं ऑथर कौन हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से है आप मुझे आंसर बताइए कमेंट सेशन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है आर के नारायण जो हैं ये ऑथर हैं किस बुक के, गाइड के। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, तो नासिक जो है यहाँ पर कौन से बैंक पर जो है, यानी कि ये कौन से रिवर पर जो है यहाँ पर लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णन, भीमा, वे गंगा या गोदावरी, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी में जो है यहाँ पर ये लोकेटेड है क्या, नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, विच सिटी इन एमपी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा, ठीक है, यहाँ पर बताया है कि कौन से बैंक ऑफ रिवर पे यहाँ पर, यानी कि कौन सी सिटी है शिप्रा में, तो यानी कि यहाँ पर आपको बताना है किस में, एमपी
यानी कि मध्य प्रदेश में, कौन सी है? ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिख गए हैं, तो जल्दी से है आंसर बताइए इसका। तो आपके पास है ऑप्शन ए, यानी कि उज्जैन जो है ये बिल्कुल आपका जो है सही आंसर है। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। कश्मीर वैली की आपको जो है यहाँ पर मेन सिटी बतानी है। तो पता होगा सब स्टूडेंट्स को क्या है इसका सही आंसर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी करिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप मतलब इसको लीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जिन स्टूडेंट्स को आता है तो वो जल्दी से बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी है, सबको आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। मेन सिटी ऑप्शन बी यानी कि श्रीनगर। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको कि कौन सी स्टेट में जो है यहाँ पर कुदानकुलम जो है एक न्यूक्लियर प्लांट है, कहाँ पर, कौन सी स्टेट में। ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं, तो बताइए इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, इन विच स्टेट खासी इज द प्रिंसिपल लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी स्टेट का जो है यहाँ पर एक प्रिंसिपल भाषा में जो है एक नाम दिया है खासी, कौन सी स्टेट का है ये, मेघालय, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। तो बताइए, जल्दी करिए। तो आपका जो है ऑप्शन ए यानी कि मेघालय जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर टेक प्लेस एट विच प्लेस। ठीक है, सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर है एक, कौन सी प्लेस पे है ये, बीकानेर, फरीदाबाद, जोधपुर या हरिद्वार। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि जोधपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो नीचे फटाफट जो है कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका जो है आंसर क्या है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एलिवेटर को जो है यहाँ पर किसने इन्वेंट किया है, एलिशा ओटिस ने, हेनरी फायर ने, निकोला टेस्ला ने या रॉबर्ट फ्लूटन ने। आपका ऑप्शन बी यानी कि हेनरी फार्ड जो है यहाँ पर यानी कि इन्वेंटेड है किसके, एलिवेटर के। नेक्स्ट कर लेते हैं, मैकू पिचू इज सिचुएटेड इन। ठीक है, मैकू पिचू जो है ये कहाँ पर जो है सिचुएटेड है, तो वो है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पेरू, मेक्सिको, चाइना या ब्राज़ील। आपका आंसर जो है पेरू, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर जो है क्या है, मैकू पिचू। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सेरिन इज लोकेटेड इन। सेरिन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, स्विट्ज़रलैंड में, यूएस में,
फ्रांस में या कोरिया में? तो कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए यानी कि स्विट्जरलैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रेनिंग कमान टू इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट। ओके, इंडियन आर्मी के जो हैं ट्रेनिंग कमांड जो हैं ये कहाँ पर हैं? पुणे, शिमला, जयपुर या लखनऊ? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि पुणे में। नेक्स्ट इज आपको पूछा गया है सेंट्रल कमांड आपको बतानी है इंडियन एयर फोर्स की कहाँ पर है। ए है इलाहाबाद, बी है शिलोंग, सी है न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी है आपके पास पटना। तो आपका जो है सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि शिलोंग में जो है यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स का यहाँ पे सेंट्रल कमांड है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज लोकेटेड एट। यहाँ पर जो है एक ट्राई सर्विस थिएटर है, ठीक है, इसकी जो कमांड है किसकी? इंडियन आर्म्ड फोर्स की। तो वो ये कहाँ पर है? आपको ऑप्शन है गोवा, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप या मुंबई। तो सही आंसर जो है वो है आपके पास गोवा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल आर्मी इन इंडियन एयर फोर्स? ठीक है, कौन से जो है यहाँ पर ये रैंक पे आते हैं लेफ्टिनेंट कॉलोनल जो है आर्मी के यानी कि इंडियन एयर फोर्स के? ठीक है, इक्विवेलेंट जो है रैंक क्या है? ग्रुप कैप्टन है, विंग कमांडर है, एयर कमांडर हैं या स्क्वाड्रन लीडर हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी यानी कि एयर कॉमोडोर जो है यहाँ पर ये रैंक है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपको जबलापुर जो है यहाँ पर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, कौन सी रिवर पर जो है यहाँ पर जबलापुर जो है सिचुएटेड है? ए है कृष्णा, बी है नर्मदा, सी है गोदावरज और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। तो जल्दी से जो है इसका मुझे आंसर बताइए। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर जो है वो बताना है कहाँ पर है। तो सबको पता है कहाँ पर है यानी कि गेनेवा में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यहाँ पर कौन से साल में जो है एस्टेब्लिश किया गया है? ठीक है, आपके पास जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए 1940। ठीक है, देखिए आपको हर एक ऑप्शन में वेट आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो है आप मुझे आंसर जो है बता सकें। ठीक है,
तो बताइए अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 74th क्वेश्चन है आपके पास, यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, यूनिसेफ जो है ये कौन से साल में जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। सबसे पहले जो है आपको यूनिसेफ की जो है यहाँ पर एब्रिविएशन में आपको बता देती हूँ क्या है। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ फिर से अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता चला है, कॉपी या अपने कॉपी पेन अपने पास रखिए तो लिखिए यूनिसेफ की जो है यहाँ पर एब्रिविएशन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ठीक है, ये जो है कौन से साल में जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, वो है आपके पास ऑप्शन 1948। ठीक है, 1948 में जो है यहाँ पर यूनिसेफ एस्टेब्लिश किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज यहाँ पर पूछा गया है आपको हेडक्वार्टर बताना है आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, तो पता होगा सबको ऑप्शन ए यानी कि लंदन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी क्या, WHO जो है यानी कि फुल फॉर्म इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि लंदन में। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पूछा है आपको APEC स्टैंड फॉर। ठीक है, अब APEC जो है इसकी आपको एब्रीवेशन जो है यहाँ पर बतानी है, किस पर जो है ये स्टैंड है। ऑप्शन ए देखिए अटलांटिक एंड पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, बी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, सी है ऑस्ट्रेलिया पनामा इकोनॉमिक कॉपरेशन और डी है पैन अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, तो सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन डी यानी कि पैन अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं FAO की जो है यहाँ पर एब्रीवेशन बतानी है, पता होगा सबको स्टूडेंट्स को, तो इसका जो है सही आंसर जल्दी से जो है आप स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। तो ठीक है, ए है फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी है फ्री आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन और डी है फ्री एंड अलाउड ओपन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस पर स्टैंड है, FAO। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा है यहाँ पर वैट की आपको जो है यहाँ पर बतानी है एब्रीवेशन, तो वैट की एब्रीवेशन जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, वैल्यू एडेड टैक्स जो है या वेरी एडेड टैक्स जो है या वेरी एवरेज टैक्स है या वेरी एवरेज टर्म जो है, इसका जो आंसर है वो आप स्टूडेंट्स जो हैं मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो है वैल्यू एडिड टैक्स जो है सही होगा, वेरी एडिड टैक्स सही है, वेरी एवरेज टैक्स सही है या वेरी एवरेज टर्म सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर पूछा गया है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ काउंट अ पॉपुलेशन इज नाउन एज। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो काउंट की जाती है पॉपुलेशन से, तो वो किस नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, क्लाइमेट, इक्वेटर, सेंसस या डेजर्ट, तो आपके पास है सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्लाइमेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए जो है यहाँ पर टफ रहने वाला है। नेक्स्ट है एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन इज नाउन एज। ठीक है, एनिमल यानी कि जानवरों की जो है यहाँ पर लाइफ जो है वो प्रेजेंटली किस में जो है यहाँ पर पर्टिकुलर है, फ्लोरा,
ऑन अ फॉल्ट ग्लोब, तो वो है आपके पास ऑप्शन सी यानी कि फॉल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नाउन एज, तो इस क्वेश्चन का जो है वो भी आंसर सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 का जो है आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जो है वैट की भी यहाँ पर जो है एब्रीवेशन पूछी गई है, दो क्वेश्चन जो हैं वो आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 एंड क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 82 क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि मैग्मा। 83rd क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज नाउन एज, ठीक है। लैटिट्यूड की जो लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है आपके पास ऑप्शन डी यानी कि उसको लैटिट्यूड ही कहा जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर जो है आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है यहाँ पर मेहनत कीजिए, बहुत ही जो है आपको लगन से जो है यहाँ पर पढ़ना है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले जो है आपको हर एक चीज़ की जो है यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन जो है अभी तक जारी रखिए, ठीक है। तो वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।